Let's call it in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, techno.com में आप सभी का स्वागत है। जब हम स्पाइस मनी या UTI से पेन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पर सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होता है, जिसका साइज 213x13 300 dpi और सिग्नेचर 600 dpi में होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इजी मेथड से यही देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पे फोटो स्कैनिंग 300 dpi, कलर 213x13 और सिग्नेचर स्कैनिंग 600 dpi। तो चलिए फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे डबल टैप करते ही आप फाइल में चले जाइए। उसके बाद आपको वहाँ से आप फाइल चूज कर लेना है। पहले हम फोटो करने वाले हैं, उसके बाद आप क्रॉप टूल लीजिएगा 1.8 इंच, 1.8 विड्थ में और हाइट में भी 1.8, और यहाँ पे इसको रेजोल्यूशन 300 रहने देना है, 300 पिक्सल इंच में रहने देना है। इसको हम जूम कर लेते हैं। फिर इसके बाद इंटर पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, इमेज ऑप्शन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज साइज में आना है और यहाँ पे आपको 213, इसको भी 213 और यहाँ पे 300 है, 300 भी रहने देना। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सेव कर लीजिए। चलिए सेव करते हैं। और यहाँ पे देखिए फोटो 30 KB के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसका साइज कम कर लीजिए, 5-6 या 7 कर लीजिए, 5-6 कर लेते हैं, फिर ओके कर दीजिए। अब इसको हम कट कर देते हैं, अब सिग्नेचर लेते हैं। देखिए इसको आप क्लियर कर दीजिए, इसको 0 रहने देना है, विथ हाइट रेजोल्यूशन भी। इसको आप यहाँ पे आप खुद से फिट साइज क्रॉप कर लीजिए, जो कि यहाँ पे फिट आता हो, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा है। देखिए हो गया। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए, फिर आप इमेज ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे 400 हाइट वैसे आने देना है और रेजोल्यूशन 600, इसको आप 400 कर दीजिए, विथ 400 और रेजोल्यूशन 600, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। देखिए हो गया, ये भी अब इसे सेव कर लेते हैं, सेव एज करते हैं, नहीं तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ साइन लिख करके सेव कर लेते हैं, इसे हम पास कर लेते हैं, फिर ओके हो गया। इसको कट कर देते हैं। अब फॉर्म को कैसे मर्ज करते हैं, देखिए एक वेबसाइट है, आई लव पीडीएफ,
इसको सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए जेपीजी टू पीडीएफ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जेपीजी टू पीडीएफ है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट जेपीजी, पेन का दो फॉर्म होता है, फॉर्म वन फॉर्म टू, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ बर्थ, जो कि आधार दिए हैं, तो वो सब तीनों हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए फॉर्म वन हुआ ये मेरा, फॉर्म टू और यहाँ पे आधार, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से आपका डाटा चोरी नहीं होगा। देखिए अपलोड हो रहा है। देखिए हो गया, देख लीजिए 2 MB से कम फॉर्म स्कैन 213 दिखा देते हैं आपको। देखिए डायमेंशंस में 213x13 और सिग्नेचर आपको दिखाते हैं, ये 400x400x108 है, ये 28 KB का हुआ और ये 24 KB का, देखिए सही है। और फॉर्म दिखा दें आपको, हम 644 KB का ही हुआ, बिल्कुल सही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।